तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था जब आपके आठवें भाव के स्वामी आपके फोर्थ हाउस में हो लगन कुंडली में तो कैसा रहता है, आपको क्या क्या रिजल्ट मिलते हैं। इस वीडियो में एक भाव और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आठवें भाव का स्वामी अगर आपके लगन कुंडली में पांचवें भाव में बैठ जाए तो आपको किस प्रकार से इस प्लेसमेंट को देखना चाहिए, कौन कौन से रिजल्ट आप यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हो। देखिए आठवें भाव का स्वामी अगर पांचवें घर में चला गया है तो पांचवा जो भाव है वो आठवें से दसवां भाव है। इस वजह से आठवें भाव से संबंधित किसी भी काम को आप अपना एज ए प्रोफेशन ले सकते हो, और एज ए प्रोफेशन भी अगर आप लेते हैं तो आपको उस प्लेनेट को चेक करना पड़ेगा कि आपका वो जो प्रोफेशन आपने किया है या जो प्रोफेशन आपने चुना है उसमें कितना अच्छा रहेगा, स्टेबिलिटी रहेगा कि नहीं रहेगा, आपको मानसिक रूप से स्थिति कैसी रहेगी। आठवें भाव को अगर हम माने तो आठवां भाव मृत्यु का स्थान भी है, इसलिए आठवें भाव से संबंधित रहस्यों को जानने के लिए ये प्लेसमेंट आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगी। इसी प्रकार से आपको लगातार जीवन में ऐसे विषय पसंद आते रहेंगे जिनमें कुछ ना कुछ ज़्यादा रिसर्च करने की क्षमता चाहिए, जिसमें बहुत डीपली सोचना पड़ता है, जिसमें कुछ ना कुछ माइंड के लिए कुछ खुराक होनी चाहिए, यानी कुछ हमारी जो बुद्धि है उसके डेवलप होने के लिए कुछ ना कुछ वहाँ होना चाहिए, कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए, किसी भी विषय में बहुत ज़्यादा गहराई होनी चाहिए या जहाँ पर कुछ रिसर्च रिलेटेड काम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी भी विषय को हम एकदम से रटें और उसके बाद उसके रटा हुआ प्रयोग करें। तो ऐसे में जो भी साइंटिफिक सब्जेक्ट हैं या जो भी अकल्ट या मिस्ट्री से रिलेटेड जो विषय हैं उनमें ऐसा जो प्लेसमेंट है बेहद अच्छी रुचि दे सकता है। इस प्लेसमेंट से बहुत अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी बनते हैं, डिपेंड करता है कि प्लैनेट कौन सा है। अब जो प्लैनेट है उसको तो आपको देखना ही है, इसके साथ साथ वो प्लैनेट अन्य भाव का भी, किसी भी भाव का स्वामी हो सकता है, आपको उस भाव को भी देखना है। अब आठवें का स्वामी अगर पांचवें में बैठ गया तो आपके पास कोई ना कोई ऐसी ट्रिक हो सकती है, मनी अर्निंग की ट्रिक्स जो आपको पता है लेकिन किसी भी अन्य व्यक्ति को आपने बताया नहीं, जो काफ़ी सीक्रेट है आपके लिए और आप ही सिर्फ उसको जानते हैं। तो ये जो स्थिति है आपकी मेंटलिटी को, आपके आत्मविश्वास को और आपकी जो स्पिरिचुअली जो क्रिएटिविटी आपके अंदर है उसको काफ़ी प्रभावित करेगी। ऐसे में आपको लाइफ में बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं जो काफ़ी सीक्रेट हैं, जो आपने पहले से लेके रखे हुए हैं डिसीजन, बट आपने वो किसी को बताया नहीं। अब आठवें का स्वामी अगर पांचवें में आ जाएगा तो संतान के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, कभी कभी आपकी एजुकेशन के लिए भी स्थिति काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है, क्योंकि आठवां भाव वह है वो सडन इवेंट्स को दर्शाता है, काफ़ी अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स को दर्शाता है। ऐसे में आपके संतान से रिलेटेड संबंधों को लेकर, आपकी इवन लव लाइफ को लेकर भी काफ़ी सडन आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी लाइफ में ऐसा चल रहा हो कि आपके बहुत सारे ऐसे सीक्रेट अफेयर्स रहे हों, दोस्ती रही हो किसी से जो कि किसी को पता नहीं रहा हो, और इससे आपका माइंड काफ़ी हेविली इम्पेक्ट होगा, यानी ज़्यादातर अगर आप किसी के साथ भी प्रेम संबंधों में रहेंगे तो ज़्यादातर आप उससे या तो हाईली अटैच्ड रहेंगे और उसी के बारे में ज़्यादातर समय सोचते रहेंगे, इससे आपके माइंड पर नकारात्मक असर भी पड़ सकता है। आठवें भाव के स्वामी के पांचवें भाव में आने की वजह से अब पांचवें भाव का जो राशि है वो आपको देखना है, और पांचवें भाव के स्वामी कितनी मजबूत स्थिति में है, कितनी अच्छी स्थिति में है ये आपको देखना है। अब आठवां भाव जो है वो अन्य लोगों के पैसे को दिखाता है, जहाँ पर आप कोई किसी के साथ जॉइंटली काम कर रहे हैं, कोई पार्टनरशिप कर रहे हैं और आपके इनलॉज को दिखाता है। तो यहाँ पर आठवें भाव का स्वामी अगर पांचवें में चला गया इसका मतलब है आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्थिति कभी कभी जीवन में देखने को मिल सकती है। अगर प्लेसमेंट अच्छी है तो आप शेयर बाजार, लॉटरी, सट्टा ऐसे कार्यों से बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, और यहाँ भी हालांकि आपको स्टेबिलिटी चाहिए होगी। अगर आप स्टेबल नहीं रहे, अपने माइंड को स्टेबल नहीं रखा तो आप काफ़ी कुछ खोएंगे भी और ज़्यादातर अपना पैसा लूज करेंगे शेयर मार्केट वगैरह में। लेकिन आपको हमेशा यहाँ स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी, अपने विचारों के हिसाब से आपको स्टेबल रहना पड़ेगा। ये स्थिति वास्तव में आपके माइंड को बहुत ज़्यादा डेवलप करती है, आपके माइंड को बहुत ज़्यादा गहराई देती है, आपकी सोच को गहराई देती है, आपके डिसीजन को गहराई देती है। आप जब भी कोई निर्णय लेते हैं तो बहुत ही सोच समझ कर लेते हैं, बहुत गहराई से सोचते हैं, उसके बाद ही डिसीजन लेते हैं। इसी प्रकार से वास्तव में ऐसे जातक बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो सकते हैं और उनके पास बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स हो सकती हैं कि वो अपने लिए कुछ ना कुछ अच्छे इनकम के सोर्सेज क्रिएट करें अपनी लाइफ में। आठवें के स्वामी के पांचवें में बैठने की वजह से यहाँ पर
आठवें भाव से संबंधित विचार आपके मन में कुछ ना कुछ हमेशा ही चलते रहेंगे। और आपके मन में किसी भी समय क्या चल रहा है ये अन्य लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मिस्ट्री होगा, बट आपके लिए ये काफ़ी अच्छा होगा। आप दूसरों का माइंड रीड करने में या ऐसे कार्यों में बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। अब जो आठवें का स्वामी पाँचवें भाव में गया है वो निश्चित रूप से ग्यारहवें भाव का एस्पेक्ट करेगा। बाकी अगर कोई अन्य बृहस्पति जैसा ग्रह है तो वो किसी अन्य भाव को भी एस्पेक्ट कर सकता है, जैसे कि नौवें भाव को या आपके लगन को। लेकिन हम ये मानते हैं अगर कोई भी ग्रह है, चाहे बुध है, चाहे शुक्र है, सूर्य है, तो वो ग्यारहवें भाव को अवश्य ही एस्पेक्ट करेगा। अब जो आठवें भाव से संबंधित जो कार्य हैं उनमें आपको डिसीजन लेना है इस प्लेसमेंट के होते हुए। आपको कैसे अपने आप को प्लान करना है, आप आठवें भाव से संबंधित क्या ऐसा इनकम सोर्स अपने लिए क्रिएट कर सकते हो जिससे आपको रेगुलर एक अच्छी इनकम आती रहे, तो ये जो स्थिति है वो आपके आर्थिक स्थिति को बेहद प्रभावित करती है, आपके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड प्लान्स को प्रभावित करती है, आपके संतान के साथ जो भी इश्यूज आपको आते हैं और आपका कहीं ना कहीं जो रिलेशनशिप है अन्य लोगों के साथ उस पर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ता है। आप अपने नेटवर्क वाले लोगों के लिए, अपने फ्रेंड सर्कल के लिए काफ़ी ज़्यादा एक मिस्ट्री जैसे पर्सन हो सकते हैं। तो ऐसे में आपके पास बहुत सारे ऐसे सेक्रेट प्लान होंगे, सेक्रेट ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी जो आपने काफ़ी बार अनुभव करी हैं। अब आठवें का स्वामी अगर पाँचवें में आ जाता है तो पाँचवें भाव के स्वामी के साथ उसका रिलेशन कैसा है और पाँचवें भाव का स्वामी कितना मजबूत स्थिति में है, क्योंकि आठवें भाव के स्वामी का जो डिस्पोजिट है वो पाँचवें भाव का स्वामी हुआ। अब आपको ये देखना है कि जो पाँचवें भाव का स्वामी है क्या उसका संबंध ग्यारहवें भाव से है, क्या उसका संबंध आठवें भाव से। अगर पाँचवें भाव के स्वामी का आठवें भाव के स्वामी के साथ संबंध है तो ये और भी ज़्यादा उतार चढ़ाव आपको दे सकता है, बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आ सकते हैं। इसके अलावा आप जो कुछ भी सीख रहे हैं, जो कुछ भी आपने स्टडी करा है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। और आपकी लाइफ में आपकी लव लाइफ को लेकर, आपकी स्टडीज़ वगैरह को लेकर, आपकी संतान वगैरह को लेकर काफ़ी सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें और ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं। अब ये जो प्लेसमेंट है वो आपके मेंटल स्ट्रेंथ पर बहुत गहरा असर डालेगा। अगर प्लेनेट अच्छा है, अच्छी स्थिति में है, तो निश्चित रूप से आप मेंटली बहुत स्ट्रांग होंगे और बहुत डीप भी होंगे। तो आपके लिए किसी भी ऐसे विषय जो नॉर्मली लोगों को इतना पसंद नहीं होता या लोगों को जल्दी से समझ नहीं आता, ऐसे विषयों में आप बहुत ज़्यादा पारंगत फील कर सकते हैं अपने आप को। तो ऐसे में आपके लिए ये प्लेसमेंट बेहद अच्छी हो सकती है। अगर आपको कोई आठवें भाव से संबंधित प्रोफेशन में उतरना है, जैसे आप कोई जासूसी से रिलेटेड काम करना चाहते हैं, आप कोई अकल्ट के या मिस्टीरियस फील्ड में काम करना चाहते हैं, या आप कोई अनुसंधान करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं और बहुत हायर लेवल के स्टडीज़ करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये प्लेसमेंट एकदम बहुत अच्छी साबित होगी।